Hello friends, welcome back to our channel. This is Mahesh here. And if you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell and click on the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification Friends, first of all, I want to say thanks to all my subscriber because the last time when the we uploaded a strategy that is option buying strategy 2.35, you, and you people give the huge response, and many people are making. गुड प्रॉफिट ऑन द स्ट्रैटेजी तो फ्रेंड्स स्टेटिन्यू विद बस वी विल ब्रिंग द मोर एंड मोर बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू पीपल थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर वन सेकेंड तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राटी ट्रेडिंग के बारे में और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बेसिकली इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी इट्स अ कॉन्सेप्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं तो सिंपल हम लोग चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोगों को कैसे काम करना है सो so बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा कि मैक्सिमम पीपल्स मैक्सिमम रिटेलर पीपल आर इंटरेस्टेड इन द इंडेक्स ट्रेडिंग अब क्या होता है ना जब भी इंडेक्स मतलब एक तो आप निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो या बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो सो देर आर द टू ऑप्शनस पहला होता है कि आपको फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो मतलब बाय एंड सेल कर सकते हो या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो अब फ्यूचर में ट्रेड करोगे फ्यूचर इज वेरी सिंपल आइदर यू विल गो बाय और यू विल गो सेल पोजिशन तो आप बाय या सेल पोजिशन फ्यूचर में डायरेक्टली ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द चार्ट ऑप्शन में आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो बट ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दीज आर द वेरी टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है टेक्निकल पॉइंट्स है अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए देखो बाकी जो ऑलरेडी यूट्यूब पे वो नहीं बताऊंगा जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा सो यू विल बी इट विल बी वेरी क्लैरिफाइड कि आपको एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा तो आज के इस टॉपिक के बारे में अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम रिटेलर्स आर इंटरेस्टेड मैक्सिमम पीपल लाइक अस इंटरेस्टेड इन द ऑप्शन बाइंग बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस मार्जिन अगर हम कंपेयर करें फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग को तो मार्जिन काफ़ी लग जाती है और सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को थेरोटिकली पता ही है तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन बाइंग को कंपेयर करेंगे और एट द सेम टाइम क्या हम लोग फ्यूचर को भी हेज कर सकते हैं और कितना इफेक्टिव होगा टेक्निकलिटीज भी देखेंगे और आपको बेस्ट एक सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको ये आज के सीनारियों से अगर आप एक या दो लॉट में ट्रेड करते हो आगे जाके आपके लॉट साइज बढ़ेगी क्वांटिटी साइज बढ़ेगी तो आपने क्या करना चाहिए ये सारी ए टू जेड हम बातें डिस्कस करेंगे स्टेट ट्यून विथस और वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अब देखिए अगर हम सिंपल फ्यूचर ऑप्शन को अगर कंपेयर करते हैं तो पहला पॉइंट आता है कि फ्यूचर का जो डेल्टा है ना इट इज वन डेल्टा मींस डेल्टा क्या होता है ऑलरेडी देयर आर सो मेनी वीडियोस अपलोडेड ऑन दिस ऑप्शन ग्रिक अगर आप जाओगे ऑप्शन ज्ञान करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है ऑप्शन से रिलेटेड आपको वहां पे ऑप्शन ग्रिक के वीडियो में मिल जाएंगे सो डेल्टा इज अ पर्टिकुलर थिंग कि जो अगर स्पॉट प्राइस कितनी मूव होती है अकॉर्डिंग हमारे डेरिवेटिव कितनी मूव होंगे वो डिफाइन करते हैं right? राइट तो फ्यूचर का डेल्टा हमेशा वन होता है एट द सेम टाइम फ्यूचर आर सिंपल टू ट्रेड क्योंकि सिंपली चार्ट होता है आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप सेट कर सकते हो वो स्टॉप लॉस पे आएगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं बट फ्यूचर कंपेरेटिवली थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको देखना होता है कि आपने कौन सा ऑप्शन लिया हुआ है एट द मनी लिया है क्या इन द मनी लिया है ओ टीएम लिया है होलरटिलिटी कितनी है तो बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग ऑप्शन में एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर पाते हो ऑप्शन जो भी आपकी प्राइस अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हो तो सिंपल है अगर और एक बात है फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी हाई होता है मतलब ऑलमोस्ट वन लाख रुपीज़ के आसपास ऊपर आपको पैसा लगेगा रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो होगी ना वो अनलिमिटेड होती है हम लोग पे ऑफ चार्ट देखेंगे उससे हमें और क्लैरिफाइड हो जाएगा सिमिलरली अगर आप ऑप्शन में जाओगे अगर ऑप्शन बाय करते हो तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड अब लिमिटेड क्यों कहते हैं ना देखो अगर आपका कोई टू हंड्रेड का ए ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है तो आपका टोटल वहां पे टेन थाउजेंड रुपीज़ लगेगा द टोटल प्रीमियम जितना होगा वो आपको पे करना पड़ेगा एंड योर रिस्क इज़ लिमिटेड बट ये दस हज़ार का लिमिटेड रिस्क होती है है ना क्योंकि अगर आपने बीरी साइड का ट्रेड लिया पुड बाय किया हुआ और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया तो ये धीरे 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 आपका जो ऑप्शन है वो गिरते हुए जाएगा उसके प्रीमियम अगर वो थोड़े देर बाद काफ़ी टाइम बाद वही जगह पे आते तो भी आपकी पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आते दैट इज ओनली ड्यू टू द डीके क्योंकि ऑप्शन में दो चीज़ें होती है एक इंटरेसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू तो टाइम वैल्यू हमेशा कम होती जाती है तो ये सारे पॉइंट हमें ऑप्शन पर देखने पड़ते हैं और ऑप्शन के डेल्टाज भी अलग अलग होते हैं ए पे लोगे तो उसका पॉइंट डेल्टा रहेगा और आपका इंड मनी रहोगे तो डेल्टा बढ़ता हुआ जाएगा अगर आप ए लोगे अगर ओ लोगे तो डेल्टा कम होते जाएगा तो दीज आर द्री सो बेसिकली अगेन मतलब इंटरेसिक वैल्यू थीटा थीटा डीके ये वेगा ये सारे जो ग्रीक्स है ना उस वजह से ऑप्शन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं अगर मान लो कि आप 17,000 के ऊपर एक बाय पोजीशन इनिशिएट करते हो और 17,300 का कॉल लेते हो और आपके डायरेक्शन में मार्केट 250 पॉइंट एक्सपायरी तक तो मूव करता है फिर भी आपका ऑप्शन का प्राइस 17,300 कॉल का जीरो होगा राइट बिकॉज ओ टी एम ऑप्शन बिकम जीरो ऑन द एक्सपायरी डे तो हम तो इंट्रा डे के बारे में बात करेंगे कैसे आपको ट्रेड करना है कैसे आप हेज करोगे कैसे रिस्क को लिमिटेड करोगे आप आपका कैपिटल भी कम होगा और कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं बट ये तो हमें पता है कि ऑप्शन ट्रिकी तो है ही तो हमारे हम बहुत लोग क्या करते हैं फिर फ्यूचर को ट्रेड करते हैं सो दैट्स ओके फ्यूचर को अगर ट्रेड करेंगे तो अच्छी बात है बट यहाँ पे हम लोग कुछ सीजें समझनी पड़ेगी तो हमें क्या है ना कि मान लो कि यहाँ से हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग एंट्री इनिशिएट करते हैं और फिफ्टी पॉइंट्स सेवेंटी पॉइंट्स का हमारा टारगेट है और आपका स्टॉप लॉस भी है तो फोर्टी फिफ्टी पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो कम नहीं होता है एक जो मिडल क्लास फैमिली से कोई बंदा आता है या कोई वर्किंग पीपल है जो रिटेलर है उनके लिए 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस के छोटे स्टॉप लॉस नहीं होते पाँच छः हजार बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है तो उस वजह से क्या हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन इज द हेजिंग सो यू कैन डू द हेज यू यू कैन डू द हेज इन द इंट्राडे फॉर द फ्यूचर ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे चार्ट के ऊपर तो सिंपली हम लोग चलते हैं हमारे निफ्टी फिफ्टी के चार्ट के ऊपर अब देखो अब आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है ठीक है दैट लॉजिक डिपेंड्स ऑन यू जैसे हम लोग मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है तो हम लोग एक सिंपल लाइन मार्क करते हैं यहाँ पे आपको दिख रही होगी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है ठीक है यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके बाद में यहां पे भी एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया आइदर यू कैन एंटर हीयर या फिर यहां जाने के बाद आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली यम पैटर्न बना के नीचे आ रहा था राइट तो अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री इनिशिएट करते लाइक like दिस तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता बीसक पॉइंट का और आपका जो निफ्टी है ऑलमोस्ट सेवेंटी सेवेंटी फाइव टू एटी पॉइंट नीचे के डिरेक्शन में मूव कर गया अगर ये 80 पॉइंट्स मूव होता है अगर आप यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करते तो ये 70 तो मान लो 70 पॉइंट तो आप एग्जैक्ट नहीं ले पाओगे अगर 50 पॉइंट्स भी लेते हो तो आपका यहाँ 2500 थाउजेंड टू थ्री प्रॉफिट आराम से बन जाता बट द वे इज दैट कि अगर ये ऊपर चला जाता अब ये तो बहुत अच्छा ट्रेड था यहाँ पे तो आपकी रिस्क कम थी बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी रिस्क काफ़ी हो जाती है अगर आप लोग यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हो तो फिर जो यहाँ अगर स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो मान के चलो कि क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी तो ये फिफ्टी पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा तो थ्री थाउजेंड की वहाँ पर रिस्क भी हो जाएगी तो अगर इन चीज़ों को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे सिंपली हम चलते हैं पहले बास्केट ऑर्डर में आप देख सकते हैं जीरोदा का प्लेटफॉर्म है हम लोग यहाँ पे एक बास्केट को ओपन करते हैं और वी आर गोइंग टू बाय द फ्यूचर तो हम लोग सिंपली निफ्टी मार्च फ्यूचर को बाय करके चलते हैं ओके यहाँ मार्केट प्राइस पे लेते हैं ओवरनाइट पोजीशन अब ओवरनाइट इंट्राडे में कोई डिफरेंस नहीं है आप कुछ भी कर लो एक ही आपको मार्जिन लगने वाला है तो इफ़ आई एम गोइंग टू बाय इट तो क्या हो रहा है कि वन लाख एट थाउजेंड के आसपास मुझे कैपिटल लग रहा है अगर किसी को तीन चार लॉट करने हैं तो एक मतलब कैपिटल भी बड़ा लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको हेज करेंगे ठीक है कैसे हेज करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पर आप सिंपली देखोगे कि जैसे हम लोग सबसे पहले है ना यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑप्शा के साइड पर है हम लोग यहाँ पे इसको बाय करके मैं सबसे पहले इस पोजिशन को हटा देता हूँ मतलब हमें चीज़ें क्लियर होगी देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहे होंगे सेवेंटीन थाउजेंड वन फिफ्टी थ्री और फ्यूचर की प्राइस ऑब्वियसली स्पॉट प्राइस और फ्यूचर की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लॉट साइज इज फिफ्टी तो हमने फ्यूचर को अगर बाय किया हुआ है तो आपका जो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है ना आपने डिरेक्शन देखी कि ऊपर के डिरेक्शन में मार्केट जाने वाला है प्रोबेबिलिटी आपकी फिफ्टी परसेंट के आसपास रहेगी ठीक है ब्रेक इवन वही होगा जहाँ पे आपने बाय किया हुआ है थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा नीचे आएगा तो लॉस होगा तो इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पे ऑफ तो आपको क्लियरली दिखता है इफ द मार्केट इज गोइंग इन अप डिरेक्शन तो देखो हमें कंटिन्यू तो एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे 500 पॉइंट ऊपर देखता हूँ मार्केट की 17,300 से uh, 200 से 250 अगर मार्केट चला जाता है तो ऑलमोस्ट टू थाउजेंड रुपीज़ प्रॉफिट तो आपका यहाँ पे बन जाएगा बट कम्पेरेटिवली अगर लॉस भी देखोगे ना तो अगर ये नीचे आता है फिफ्टी पॉइंट तो आपका लॉस भी उतने ही कंपेरेटिवली बढ़ता जाएगा बिकॉज लॉस इज़ अनडिफाइंड एंड प्रॉफिट इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड तो हम लोग क्या करेंगे ना इस फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज करेंगे अब ऑप्शन के साथ हेज करेंगे हेजिंग का बेसिक पर्पज होता है कि जो अपने पोजिशन बनाई है उसकी कॉन्ट्रा पोजिशन बनाओ अब कॉन्ट्रा पोजिशन कैसे बनाएंगे वी आर लॉन्ग इन द फ्यूचर तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे हम लोग पुट बाय करेंगे अगर आपने फ्यूचर सेल किया है तो आप कॉल बाय करेंगे हमने यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग किया है तो हम लोग पुट बाय करेंगे अब कुट कौन सा बाय कर सकते हैं तो हम लोग सीधा ऑप्शन चेन ओपन करते हैं देर आर द थ्री थिंग्स यू कैन डू आप एक तो आप ओ बाय करोगे एक तो फिर ए करोगे या फिर इन द मनी बाई करोगे अब यहां पे मैं सबसे पहले आपको करके दिखाता हूं हम कम कर देते हैं अब इसके आप डेल्टा देखोगे ना 17,200 का वो 50 का पचास के आसपास तो के आसपास रहने वाला है बेसिकली 0.5 डेल्टा होता है बट 50, 40, 30 ऐसे नंबर्स यूज करते अब देखो हमारा जो पे ऑफ है ना वो कंप्लीटली चेंज हो गया आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है बट जो रिस्क है ना वो डिफाइन हो चुकी है अब ये मैक्स लॉस जो है ना 8900 अब ये बोलने के लिए तो डिफाइन है बट ये भी कोई कम नहीं होता है एक छोटा सा रिटेलर जो हमारे जैसा है वो कोई इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता है बट वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप कंटिन्यू उसे होल्ड करते हो तब आपका इतना लॉस होगा इससे ज़्यादा लॉस तो आपका कभी भी नहीं होने वाला ये चीज़ हमें समझनी है तो अभी देखो अभी मेरे लिए यहाँ क्या मैटर करता है इंट्राडी में टी प्लस जीरो की लाई अगर यहाँ से मार्केट अभी ये जो स्पॉट प्राइस से बताएगा जैसे ही सेवनटीन थाउजेंड वन नाइन फोर मतलब 204 से अगर 250 पे मार्केट चला जाता है या फिर 300 पे चला जाता है ठीक है तो क्या होगा ना आपका जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अप है 100 पॉइंट्स अप आएगा तो मतलब यूअर फ्यूचर विल गिव यू द फाइव थाउजेंड प्रॉफिट बट आपका जो पुट है ना वो आपको लॉस देगा लेकिन हमें एक बात समझनी है कि फ्यूचर का डेल्टा बन है तो अगर निफ्टी स्पॉट में 100 पॉइंट की मूवमेंट हो गई तो फ्यूचर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट देने लगेगा लगभग लेकिन ये जो पुट है ना इसका पॉइंट फाइव डेल्टा है तो ये पचासी पॉइंट होगा और एट द सेम टाइम जैसे जैसे स्पॉट ऊपर जाएगा तो ये पुट का ये जो है ना ये ओ होते जाएगा ठीक है अगर ये ओ होते जाएगा तो इसका डेल्टा और डिक्रीज होगा मतलब ये 50 पॉइंट्स भी मूव नहीं होगा ये शायद 40 पॉइंट्स मूव हो सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज कि अगर आपके डिरेक्शन में मार्केट जाता है तो ये जो पुट आपने बाय किया हुआ है ना उसका डेल्टा कम होते जाता है इसके अगेंस्ट और एक पॉइंट है कि जैसे अगर मार्केट मान लो फिफ्टी पॉइंट्स नीचे आता है तो आपका जो फ्यूचर है ना वो आपको लगभग पचास पॉइंट का लॉस देगा और ये जो पुट है इसका जो डेल्टा है वो बढ़ते हुए जाएगा क्योंकि वो इन द मनी की तरफ जाएगा एट द मनी से इन द मनी हो जाएगा तो ये आपको भले ही पचास पॉइंट ना दे लेकिन आपको ये तीस पैंतीस पॉइंट या पच्चीस पॉइंट डिपेंड ऑन द होल ऑल दिस थिंग ये आपको कंफर्ट देता रहेगा यहाँ पे जहां पे आपकी पचास पॉइंट का रिस्क था जहां पे आपने स्टॉपलॉस लगाया हुआ है और कोई कैंडल वहां पे आके टच कर रही है तो हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे रुकते हैं तो शायद वो क्लोज मतलब नीचे जाके फिर ऊपर आके क्लोज कर दे तो लाइव मतलब आप जब एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो ना तो बहुत सारी दिक्कतें कि अगर मैं एक लेवल मार्क करता हूँ दिस इज माई स्टॉप लॉस समाइम क्या होता है ना समटाइम वॉट आय द कैंडल इज गोइंग डाउन एंड द रनिंग कैंडल इज अगेन ऊपर की तरफ आ जाती है और वो हैमर बना के फिर ऊपर की तरफ चल जाती है बट हम लोग क्या करते हैं उसको एग्जिट कर जाते हैं सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारी अगर पचास पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपने पुट बाय किया हुआ है तो ये आपको कंफर्ट देता रहेगा अगर फिफ्टी पॉइंट का लॉस हो रहा है तो ये ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर्टी थर्टी फाइव पॉइंट तक आपको प्रॉफिट देगा तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो एट द सेम टाइम अगेन एक कॉन्सेप्ट है अगर मार्केट हाईली बुलिश हो जाता है एंड यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट अगेन कल भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है राइट तो आप यहाँ पे ये पोजिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा ना आपका रिस्क अनडिफाइन नहीं है आपका लिमिटेड रिस्क है तो आपको अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तीस पॉइंट से तो आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो ऑप्शन बाय किया हुआ है उसका थीटा जाएगा ये जाएगा ठीक है कोई हर्ज नहीं क्योंकि बीस पॉइंट भी ऊपर होगा ना तो आपको हजार रुपए वहां से एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सो दैट इज द थिंग इसीलिए ये जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है हेजिंग का अगेन इफ यू आर गोइंग टू अब मुझे आ, कुछ दिन पहले एक आ, एक फोन आया था एक मेंबर का उन्होंने कहा कि वो ही इज ऑल्सो ट्राइंग सेम ऑफ ऑफ सेम टाइम हिजिंग बट व्हाट ही वाज डूइंग वो कर रहे थे कि 500 पॉइंट्स इन द मनी अब देखो क्या होता अगर मैं सेवनटीन थाउजेंड पे फ्यूचर को लॉन्ग करता हूँ और पाँच पॉइंट इन द मनी पुट बाय करता हूं तो क्या होगा अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो फ्यूचर तो का डेल्टा है तो मुझे पॉइंट पॉइंट ऊपर गया तो 100 का प्रॉफिट मिलेगा लेकिन इसमें प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगा इन द मनी वो भी लगभग सौ पॉइंट के आसपास गिर जाएगा तो मार्केट आपको आपके डिरेक्शन में जाने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला उस पर एक पॉइंट है कि अगर मार्केट 200 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे आता है सौ पॉइंट नीचे आता है तो आपको फ्यूचर सवाइट लॉस देगा लेकिन ये जो पुट 500 हंड्रेड पॉइंट इन द मनी बाय किया हुआ है अगर 17,600, 700 पुट बाय करते हो तो क्या होगा वो भी उसका भी डेल्टा ऑलमोस्ट फ्यूचर के जैसा बिहेव करेगा इन द मनी का और वो आपको कभी लॉस नहीं होने देगा आपको पोजिशन में लॉस होगा नहीं बट आप ये सोचो कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर मेथडोलॉजी से आपने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है पचास पॉइंट इंट्राडे में और वो ऊपर की तरफ गया और फिर आपको प्रॉफिट ही ना हो तो ऐसे ट्रेडिंग का मतलब क्या हम ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ी करते हैं ना ऑब्वियसली एवरी वन इज डूइंग ट्रेडिंग फॉर द प्रॉफिट और आपकी डरेक्शन सही है आप सही डिरेक्शन में बैठे हो एंड मार्केट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन स्टिल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट तो वो हेजिंग काम का हेजिंग थोड़ी है हम हेजिंग इसलिए करते हैं कि हमारा लॉस जो हो ना वो कम हो लेकिन प्रॉफिट जरूर मिले इसलिए नहीं करते हैं कि हमारा प्रॉफिट ही ना हो इतना परफेक्ट हेजिंग करोगे तो हेजिंग का मतलब ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ हमें समझना है तो और ओ टी बाय करोगे तो क्या होगा इसका प्रीमियम कम जाएगा बट आपको वो इतना कंफर्ट नहीं दे पाएगा अगर आप मैं सिंपली यहाँ पे 17,200 के जगह पे 17,000 या 16,900 का पुट बाय करता हूँ आप देख देखते जाओ इसका प्रीमियम क्या होगा कम होगा एटी रुपीज इसका डेल्टा भी कम होगा तो आपका लॉस यहाँ पे है ना बढ़ जाएगा ये तो ठीक है क्लोजिंग बेसिस पे लेकिन आप टी प्लस ज़ीरो की लाइन भी देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा लॉस दे देगी अगर पचास सौ पॉइंट मूवमेंट हो गई तो तो आपको ये लॉस भी अच्छा होगा तो उस वजह से क्या है ना ऑप्शन बाय करना ये बहुत बहुत अच्छी बात है इसमें मार्जिन भी आपका रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिल जाएगा अगर निगेटिव डिरेक्शन में आपने जो डायरेक्शन प्रेडिक्ट किया उसके निगेटिव डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है और ऊपर के डिरेक्शन में जाता है तो यू विल गेट द गुड प्रॉफिट बिकॉज यू आर बाइंग वन डेल्टा एंड यू आर सेलिंग मतलब यू आर निगेटिव आपका पॉइंट फाइव डेटा तो आपका प्रॉफिट जरूर बनेगा अब देखते हैं सिंपली अगर इसी बास्केट ऑर्डर में जो एक लाख वन लाख नाइन थाउजेंड के आसपास मुझे कैपिटल लग रहा था तो मैं इसको सेवेंटीन थाउजेंड टू का पुट अगर मैं यहां पे बाय कर लेता हूं अब देखो वीकली एक्सपायरी बाय करना है मंथली नहीं करना है अभी ये मंथली और वीकली एक ही आ रहा है इसीलिए हम लोग मार्च का बाय करके चल रहे हैं ठीक है तो इस पुट को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो देखो आप फाइनल मार्जिन बन गया आपके ट्वेंटी एट थाउजेंड तो कोई जरूरत नहीं है एक लाख से डेढ़ लाख रुपए होने की बट सिर्फ करना क्या है ना जब भी आप कोई पोजीशन एग्जीक्यूट करोगे फ्यूचर को लॉन्ग करना है तो पहले एटीएम पुट बाय करो उसके बाद में फ्यूचर पोजीशन बनाओ उससे क्या होगा आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड मतलब थर्टी थाउजेंड भी आपके पास में है ना तो आप ये पोजीशन बना सकते हो और इसका पे ऑफ ग्राफ इस टाइप का बनेगा मतलब ये इसको हटाना पड़ेगा तो आपकी टी प्लस जीरो की लाइन आपको जरूर प्रॉफिट देके जाएगी इंट्रा डे बेसिस पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हेज कैसे किया जाए आपको ये चीज़ें पता होगी पहले से तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी पता अब देखो क्या होगा ओ टीएम हेज करोगे ना तो यहाँ पे आपका मार्जिन भी बढ़ते हुए जाएगा इन द मनी करोगे तो मार्जिन कम होगा थोड़ा सा वो ट्वेंटी थाउजेंड में ही आ जाएगा बट आपको कोई फायदा नहीं होगा उस पोजीशन से और आपने आपको ये चीज़ें पता नहीं थी तो ज़रूर हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एट द सेम टाइम फ्रेंड्स और कुछ बातें हैं जो हम लोगों को देखनी पड़ेगी समझनी पड़ेगी अब अब हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आ जाते हैं अब देखो यहाँ पे एफ एन ओ फ्यूचर है यहाँ पे एफ एन ओ ऑप्शन है ये तो इंट्राडियो डिलीवरी है तो हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में मान लो कि सेवेंटीन थाउजेंड टू हंड्रेड के आसपास या सेवनटीन थाउजेंड के आसपास हम लोग एक एंट्री बना लेते हैं बाय की और मान लो कि हम लोग सेवनटीन थाउजेंड के आसपास ही इसको सेल कर देते हैं और मेरा जो लॉट है ना वो है एक लॉट यानी फिफ्टी क्वांटिटी तो क्या होगा आप देखो टोटल टर्नओवर आपका कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज एक लॉट पे फोर्टी रुपीज़ लगेगा ठीक है अब यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी एस टी टी एक्सचेंजेट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस सी बी टर्न ओवर चार्जेज ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट वन नाइन्टी वन का आपका ब्रोकरेज यहाँ पे लगने वाला है क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो कुछ है नहीं सिंपली अगर कोई आप ऑप्शन जो है टू हंड्रेड का ऑप्शन बाय करते हो और टू हंड्रेड रुपीज़ ही सेल कर देते हो ठीक है इसकी भी क्वान्टिटी हम लोग करेंगे एक लॉट फिफ्टी तो आप देखो आपका जो ब्रोकरेज लगेगा वो 65 के आसपास तो यू कैन कंपेयर कि ऑप्शन में ब्रोकरेज काफ़ी कम लगता है बाय और सेल करने के लिए फ्यूचर में ज़्यादा लगता है बट क्या होता है ना एक लॉट पे इतना मैटर नहीं करेगा अब यहाँ पे ब्रोकरेज फोटी है यहाँ पर ब्रोकरेज फोटी है अगर मान के चलो कि आप ये दस लॉट में कर रहे हो तो आई एम गोइंग टू डू विथ फाइव हंड्रेड क्वान्टिटी अगर दस लॉट बाय करते हो तो क्या होगा ब्रोकरेज इज स्टिल फोर्टी एंड अगेन इन ऑप्शन मैं भी यहाँ पाँच सौ कर ले तो ब्रोकरेज दोनों इधर सेम आएगा बट ये जो चार्जेस है ना एस टी चार्जेज एक्सचेंज चार्जेस ये सीबी टन और चार्ज ये सारी चीज़ें जी एस टी स्टैंप ड्यूटी ये सारी आपकी बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली और आपको दिखेगा कि जहाँ पे मुझे ऑप्शन में दस लॉट के ऊपर दो सौ पच्चीस रुपये ब्रोकरेज लगने वाला है जो निग्लिजिबल है दस लॉट के ऊपर वो वहाँ पे ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ ब्रोकरेज लगेगा फ्यूचर में ठीक है तो फ्यूचर में ट्रिकी कम होते हैं सिंपल होते हैं आप स्टॉप लॉस लगाना इजी हो जाता है बट आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो आपका ये जो ब्रोकरेज है ना इशू हो जाएगा तो ट्वेंटी क्वांटिटी करते हो फोर्टी क्वांटिटी करते हो तो ठीक है आप मार्जिन तो रिड्यूस कर लोगे बट ये सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी बट एट द सेम टाइम देयर आर आर एडवाटेजेस अगर 10 लॉट से कोई ट्रेड करता है और 10-20 पॉइंट मूव हो जाता है तो दैट इज द ट्रेड ऑफ ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस राइट टेन so, थाउजेंड के प्रॉफिट के ऊपर इतना ब्रोकरेज देना इट्स ओके। बट आपको अगर एक लॉट से अगर ये चीजें आप कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जहां पे पचास रुपए के आसपास ब्रोकरेज जाने वाला है वो दो सौ रुपए के आसपास यहां पे आपका ब्रोकरेज जाएगा तो दीज आर द थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर ऑल्सो बट इनिशियल डेट्स ठीक है इट्स ओके क्योंकि ब्रोकरेज ज्यादा होगा तो आप बहुत अच्छे से सोचोगे कि कहाँ एंट्री लेना है क्यों एंट्री लेना है क्योंकि आपको दो सौ रुपये तो वैसे ही आप बाय करोगे सेल करोगे तो चला जाने वाला है राइट सो so, प्रिसाइज एंट्री करने के लिए बहुत अच्छी बात है बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप आपका जब क्वांटिटी बढ़ते हुए जाएगा तो ब्रोकरेज कैन बी अ इशू बट इन इनिशियल डेज इफ़ यू आर डूइंग दिस फ्यूचर अलोंग विद द हेज दैट्स ओके क्योंकि अगर आप हेज करोगे तो 191 प्लस ये 50 तो आपका ऑलमोस्ट 250 फिफ्टी टू सिक्सटी रुपीज़ के आसपास ब्रोकरेज जाने लाला है एक एक लॉट के आसपास बट दैट विल गिव यू सम कम्फर्ट ओके तो यहाँ पे क्या होता है ना बहुत लोग एंट्री कर लेते हैं फिर ऊपर जाता है निकाल देते हैं कंटिन्यू ट्रेड करते जाते हैं इतनी कोई जरूरत नहीं सिंपल एंट्री ढूंढो स्टॉप लॉस देखो आपकी मेथडोलॉजी यूज़ करो एंड यू कैन डू विद दिस तो ये हेज करोगे तो परफेक्ट है एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर यहाँ पे देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है एंड इफ यू आर एक्सपेक्टेड मार्केट इज अगेन गोइंग इन अब डायरेक्शन जा सकता है तो आप होल्ड भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं दोज हुर दोज हु डोंट हैव एनी कम्फर्ट की ऑप्शन बहुत ट्रिकी है मुझे समझ में नहीं आता है स्टॉप लॉस कैसे करना है ये कैसे है दे कैन डू सिम्पली द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड दैट शुड बी इन वेरी लेस मार्जिन बट ब्रोकरेज इज द थिंग वो एक इशू है वो हम लोगों को अच्छे से याद रखना होगा तो जितने भी टेक्निकल्स पॉइंट हैं ये मैंने आपको सब बताया एंड ऑब्वियसली आई एम डूइंग दिस ऑन द फ्यूचर चार्ट तो आप सिंपली यहीं पे जाके स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो आपको प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं कि ऑप्शन में कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा कैसे होगा सो दीज आर द कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं तो मैंने अनबायस रह के मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो सिंपली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी और मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी देता हूँ कि जैसे आप देख सकते हो ऑन द लास्ट फ्राइडे आई क्लियरली मेंशन कि पुट सेलर भी एग्रेसिव नहीं है कॉल सेलर भी एग्रेसिव नहीं है मार्केट में सेलिंग आई तो बाइंग भी होगी दिस टाइप काइंड ऑफ़ और कभी कभी मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ तो आपको बहुत कुछ लर्निंग पॉइंट्स यहाँ सीखने को मिलेंगे तो सिंपली यू कैन ज्वाइन अवर चैनल यू कैन सर्च ट्रेड मास्टर ऑन द टेलीग्राम तो आपको ये यह यहाँ पर दिख जाएगा बट फ्रेंड्स एक बात याद रखना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं जो लोग फोरेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको पैसा मांगेंगे तो दैट्स नॉट माई चैनल आई नेवर आस्क एनी मनी टू एनी वन दिस इज कम्प्लीट फ्री चैनल एंड एंड यहाँ पे आप देख लो ये हमारा सिम्बॉल है आप ये सर्च करोगे तो ये जो है ना ट्रेड मास्टर अंडर स्कोर एम आर पी ये हमारी आई डी है यह आपने सर्च किया इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो सीधा सर्च बॉक्स में जाके आपको चैनल मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो व्यूज है ना जो डुप्लीकेट चैनल है चैनल है ना उन उन्होंने भी इतने व्यू बना लिए अपने सब्सक्राइबर बना के रखे हुए वो मेरे से ज़्यादा रखेंगे सौ दो सौ लेकिन उनके जो व्यू है ना वो रहते हैं दो तीन चार पाँच दस तो वहाँ से ही आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ अ फेक चैनल सो फ्रेंड्स थैंक यू स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू वंस अगेन थैंक यू